दोस्तों, अक्सर मेरे पास आप में से कई सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि सर, हम अपने डाइजेशन को कैसे इम्प्रूव करें। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए कि आज के समय में हर तीसरा व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है और वो ये समझ ही नहीं पाता है कि वो करे तो क्या करे। तो दोस्तों, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बस आपको करना ये है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है और जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसे आपको फॉलो करना है, 100% आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज डाइजेशन, यानी डाइजेशन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस चीज को जान जाएंगे तो आगे की वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। तो दोस्तों, जो डाइजेशन होता है ये एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या प्रोसेस होता है ये जानते हैं। जिस खाने को हम लोग खाते हैं और वो जब हमारे स्टमक में जाता है तो वहां पर एक प्रक्रिया होती है, यानी प्रोसेस होता है, उसे फूड चेंजिंग प्रोसेस कहते हैं। इसी को ही डाइजेशन बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो फूड चेंजिंग प्रोसेस होता है, जब वो कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो फूड मिलता है हमारे शरीर को, वही हमारी बॉडी उसे यूज में ले लेती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो फूड चेंजिंग प्रोसेस है उसी को ही पाचन क्रिया यानी डाइजेशन बोला जाता है। तो मान लीजिए, अगर आपका जो ये प्रोसेस यानी जो ये पाचन क्रिया है ये अगर कमजोर होगी तो आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का जो पाचन क्रिया है वो कमजोर होती है तो उनमें सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिलती है वो है कि वो जो भी खाते हैं वो उनके शरीर को लगता ही नहीं है। कुछ लोगों में तो ये देखा जाता है कि वो जैसे ही खाना खाते हैं तुरंत ही उन्हें पॉटी जाना पड़ जाता है, और कुछ लोगों में ये देखा गया है कि जिनकी पाचन क्रिया कमजोर होती है उन्हें कब्ज की बीमारी यानी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी उनको बनी ही रहती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको अपने डाइजेशन को मजबूत करने की जरूरत है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आपको अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना है। तो आइए जानते हैं इन खाद्य पदार्थों के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारा पहला खाद्य पदार्थ है वो है कर्ड यानी दही। जी हाँ दोस्तों, दही को बहुत ही इफेक्टिव माना गया है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, उसको हेल्दी बनाने में। कैसे? क्योंकि जो हमारा दही होता है इसमें गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो इसलिए आज से आपको क्या करना है कि जब भी आप खाना खाएं तो उसके साथ में आप दही ले लें, या फिर अगर आपको बाद में दही लेना है तो आपको क्या करना है, खाना पहले कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आपको एक बाउल यानी एक कटोरी आपको दही ले लेना है और उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या तो आप उसमें शुगर मिला लें या फिर सॉल्ट मिला करके आपको उसे खाना है। ऐसा करने से आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा 100%। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड खाद्य पदार्थ पे। तो दोस्तों, सेकंड जो खाद्य पदार्थ हमारा है वो है पपाया यानी पपीता। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि जो नॉनवेज लेते हैं वो लोग पपीते का सेवन जरूर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पपीते में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पेपेन, तो वो बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है हमारे इस डाइजेस्टिव, ये जो हमारा डाइजेशन होता है इस क्रिया को
तेज करने में, यानी कि हमारी जो पाचन क्रिया है इसको मजबूत बनाने में, इसको फास्ट करने में ये एंजाइम काफ़ी ज़्यादा काम करता है। इसके अलावा इसमें आपको भरपूर मात्रा में फाइबर और वाटर मिल जाता है, जो कि आपके पाचन क्रिया को और ज़्यादा बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। तो इसलिए अगर आपके भी साथ समस्या है, अगर आपका भी जो डाइजेशन है वो कमज़ोर है, तो आप आज से ही पपीता लेना शुरू कर दें। किस तरह से लेना है ये आप यहाँ पर समझ लें। दोस्तों, आपको करना क्या है कि जब आप अपना मील ख़त्म कर लें तो उसके बाद आपको 2 से 3 पीस आपको ये पपीते खाने हैं, जिसमें कि आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो और आप आसानी से किसी भी बीमारी के प्रभाव में ना आए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड खाद्य पदार्थ पे। तो दोस्तों, जो थर्ड खाद्य पदार्थ हमारा है वो है गुड़। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे पुराने लोग थे, यानी जो हमारे पूर्वज थे, उनको आपने देखा होगा कभी ना कभी कि वो जब खाना फिनिश कर लेते थे तो उसके बाद वो लोग थोड़ा सा ही गुड़ जरूर खाते थे। वो क्यों खाते थे मैं आपको बता दूं। दोस्तों, गुड़ इसलिए खाते थे क्योंकि जो गुड़ होता है वो हमारे खाने को पचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और जल्दी पचाता है। तो इसलिए आज से आप जब भी खाना कंप्लीट कर लें, अपनी मील कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो सके और आपका खाना जल्द से जल्द पच सके और आसानी से पच सके। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ खाद्य पदार्थ है वो है बलगर, यानी दलिया। जी हाँ दोस्तों, दलिया जो है ये भी हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद कर सकता है। कैसे कर सकता है मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, जो हमारा दलिया होता है ये गेहूं से बनता है, और आपको पता होना चाहिए कि जो गेहूं हमारा होता है उसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, और जो फाइबर होता है वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, रोज डेली सुबह में आपको एक बाउल आपको दलिया खाना है, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो सके और आपका डाइजेशन हेल्दी बना रह सके। तो दोस्तों, ये 4 खाद्य पदार्थ हैं जिनको आपको सेवन में लेना है, इनको इस्तेमाल करना है, और इनको इस्तेमाल करने से आपका जो डाइजेशन है वो 100% इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा, और अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी।